कार में हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। आज लालू प्रसाद यादव की कोर्ट में पेशी हुई, जबकि इस मामले में कई लोगों को बेल हो चुका है, स्वास्थ्य भी उनका खराब चल रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, जिस मामले में आदरणीय लालू प्रसाद जी आज सशरीर कानून का सम्मान करते हुए, न्यायालय का सम्मान करते हुए आज उन्होंने हाजिरी लगाई, सशरीर उपस्थित हुए, यह न्यायालय के प्रति आस्था का प्रकटीकरण है। ये बात सही है कि इस मामले में कई लोगों को बेल भी मिल चुकी है, कई लोग, लेकिन सवाल ये सामने है कि देखिए, देश के अंदर में जो हमारे तीन धड़े हैं, विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, सब एक दूसरे के पूरक हैं और सबके प्रति सम्मान है। उससे इतर हट कर करके जो निर्णय कभी कभी होता है देश में पहली बार, तो उस पर लोग कहीं ना कहीं आत्ममंथन करते हैं। क्योंकि आज का ये सवाल मौजूद भी है, अपेक्षित भी है इन परिस्थितियों में, इस देश का संविधान का आर्टिकल 20 क्या कहता है। हम इन विषयों पर बहुत विस्तृत तौर पर नहीं कहना चाहेंगे, पर इतना हम जरूर कहेंगे कि न्यायालय के प्रति हमारा सम्मान पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जो लोग इधर उधर परिक्रमा कर करके अपने को बचा ले रहे हैं, 700-800 करोड़ का आधिकारिक व्यय, जिसको भ्रष्टाचार का स्वरूप दिया गया पशुपालन को, अगेंस्ट बजट एलोकेशन व्यय के मामले में जो भ्रष्टाचार का नाम दिया गया, तो सच माने में 2500 करोड़ का सृजन घोटाले के मामले में लोग बाहर कैसे हैं? संबिहारी सिन्हा ने तो कई लोगों का नाम लिया था, वो लोग बाहर कैसे हैं? हम उन विषयों पर नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, हम सम्मान करते हैं कोर्ट का, और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना हर नागरिक का कर्तव्य भी है। इसलिए सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जाकर करके आप चरण वंदना कर करके अपने को कब तक बचाओगे, कब तक बचे रहोगे पत्तों की आड़ में? एक दिन तो आना ही होगा इस बाजार में, जिस बाजार में आपको अंतिम दर्शन करने होंगे, उन सारे चीज़ों का सामना करना होगा जो आपने अपने जीवन काल में सारे उन पापों को अंतिम स्वरूप दिया है, जिन पापों का दंश बिहार की जनता भुगत रही है। आखिरी सवाल है मेरा कि कल 15 साल नीतीश बेमिसाल, पूरे बिहार भर में जश्न मनाया जाएगा। 15 साल नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा बिहार के लोगों के लिए, जहाँ शिक्षा बर्बाद, जहाँ हमारा ह्यूमन रिसोर्स का पहली पड़ाव, पहली और दूसरी क्लास कक्षा में पढ़ने वाले लोगों को हाथ में स्लेट और किताब के बजाय थाली आपने थमा दी, जहाँ टीचर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन तो है ही नहीं, एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की बात ही खत्म करिए। दुनिया में सबसे अधिक बिजली बिल अगर कहीं महंगा है, वो उसका नाम है बिहार, उसकी बात कर रहे हैं? जहाँ अपने हमारा जो उत्पादन केंद्र था बिहार में, दो हमारा काटी और बरौली दोनों को बेच दिया आपने पैसे की लालच में, आपने किसको आपने दे दिया, उस पर आप जश्न मनाने चले हैं? या फिर शराब मामले में बड़े लोगों, बड़े बड़े लोग कमाई कर करके गरीबों को जो अमन और चैन छीन रहे हैं, उसके लिए जश्न मना रहे हैं? या 30,000 करोड़ का 7 निश्चय के मामले में, जो महागठबंधन में हम लोग थे उस समय जिसका निर्णय हुआ था, उसके बाद आपने जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मकबरा तैयार किया, उसके लिए आप जाएंगे जश्न मनाने के लिए? बिलखती रोती उन विधवाओं के लिए जश्न मनाएंगे जिन लोगों ने अपने बेटा, अपना मर्द, अपना बेटी खोया है, उसके लिए 15 साल पर जश्न मनाएंगे? किन किन बात तो किन किन गुनाहों का आप जश्न मनाएंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके हर प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा बिहार की जनता के सामने। ये महंगी बिजली, नबार्ड के पैसे, विश्व बैंक के पैसे, ब्रिक्स के पैसे, एशियन डेवलपमेंट के कर्ज के नाम पर, पहले पर व्यक्ति क्या कर्ज था बिहार के अंदर में 15 वर्ष पहले, आज क्या कर्ज है जरा बताइए तो समझ में आएगा। हर व्यक्ति कर्जदार है, हर व्यक्ति कर्ज के बोझ से भरा हुआ है। तो ये थे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।